सत श्री अकाल, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि रिसेंटली एक स्टूडेंट, उनका टेस्ट बहुत अच्छा गया था। वो कह रहे थे, उन्होंने मेरे को जो फीडबैक बताई थी कि उन्होंने सेशन भी लिया था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेशन में अच्छी की हैं, एंड ही सेड कि मेरा टेस्ट वो बहुत अच्छा गया है। और उस टेस्ट में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जो असेसर को अच्छी नहीं लगी, और क्या कहाँ कौन सी जगह पे वो काम कर रहे थे, और ऐसी जो बातें हैं। उनका जो टेस्ट था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और उसका रिज़ल्ट की आउटकम जो है वो अनसक्सेसफुल रही है, और उसका जो रीज़न है वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा कि उसका रीज़न क्या था कि जो उनकी असेसमेंट की आउटकम है वो अनसक्सेसफुल क्यों रही। एंड आपको वन बाय वन स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो उन्होंने ढंग से परफॉर्म नहीं की और जिसके एवज में उनका जो टेस्ट है वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप जॉब गाइडिंग की तैयारी कर रहे हो या स्किल असेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो कोशिश आप ये करो कि उसमें से आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आप ना करो, क्योंकि उनकी वजह से भी आपका जो टेस्ट है वो फेल हो सकता है। मैं इसलिए ये बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि अपीयरिंग अगेन एंड अगेन JRP, एक तो आपका टाइम वेस्ट होता है और दूसरी तरफ से आपका जो पैसा है वो भी उसमें वेस्ट होता है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और बार बार अवेयर कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स को कि अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हो तो प्लीज़ फोकस करो, थोड़ा सा टेंशन पे करो ताकि जो आपका टेस्ट है वो ईजिली पास हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो असेसर की रिपोर्ट हमें आई है। जो हुआ ये है कि उन्होंने मेरे साथ ये वाली जो असेसमेंट है उनकी उन्होंने शेयर की है। उनका जो एग्ज़ाम था वो था जुलाई को, हुआ था 30th of July को। 3 वीक के अंदर उनका रिज़ल्ट आ गया है। होता क्या है कि जब भी असेसर आपको फिल करता है तो वो एक समरी इशू लिखते हैं, लाइक कि ऐसे नहीं होता कि जो असेसर होता है उसको आपको जस्ट वो फिल कर देता है कि विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। जितने भी असेसर होते हैं अगर वो आपको फेल करते हैं तो उनको वो जस्टिफाई करना पड़ता है कि किस बिहाफ पे आपने स्टूडेंट को फेल किया, तो वो वाली चीज़ उनको बकायदा लिखनी पड़ती है उनकी रिपोर्ट में। और जो भी असेसर आपके वर्क प्लेस पर आके रिपोर्ट बनाते हैं तो वो जो रिपोर्ट होती है एक्चुअली 12 पेजेस की होती है, जो बना के वो TR वालों को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में TRA वाले उस पर रिव्यू करते हैं एंड दे सेंड यू कन्फर्मेशन कि आप अनसक्सेसफुल हो या फिर सक्सेसफुल हो। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन दी है तो वो मैं आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने मेन रीज़न क्या बताया कि जो एप्लीकेंट थे वो एक होटल के अंदर काम करते थे जहाँ के उसके अंदर 38 अकोमोडेशन रूम्स थे, और वो कह रहे हैं कि उनका फिक्स रोस्टर है स्टूडेंट का, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, और उसके साथ में 2 और शेफ काम करते हैं। ये उन्होंने बकायदा इसमें लिखा हुआ है, तो मैं डिटेल में नाम नहीं बोलूँगा उसका कि समटाइम्स समवन गेट ऑफेंडेड, सो इसलिए उनकी कॉन्फिडेंशियली के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखने के लिए मैं ये शेयर नहीं कर रहा आपसे। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो उनकी मेन्यू है वो ऑलरेडी प्रीपेड करीज बनी बनाई बाहर से आ जाती हैं, और उनकी जो सॉस हैं वो भी बनी बनाई आ जाती हैं, या फिर जो उनके शेफ़ होते हैं वो बना के वहाँ पे छोड़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो फ्रोज़न स्टफ़ यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब भी ऑर्डर आता है या उससे पहले उसको डीफ्रोस्ट करके फिर उसको हीट करके सर्व कर देते हैं। जो उनके अंदर मेन्यू के आइटम्स भी उनके नाम उन्होंने मेंशन किए हैं कि फ्राइज़ हैं या स्निचल्स हैं या कुछ पिज़्ज़ा हैं या करीज़ हैं, एनी XYZ जो भी उनके आइटम में मेन्यू थे उनके नाम भी उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो रेडीमेड प्रोडक्ट हैं ये बने बनाए बाहर से बाय करते हैं और उनको फ्रीज कर लेते हैं, तो ये भी उन्होंने लिखा हुआ। असेसर ने जो उसमें फीडबैक दिया उसने लिखा है, आई ऑब्जर्व द एप्लीकेंट अंडरटेकिंग सिंपल प्रेप सच एज ए स्लाइसिंग अनियन टमाटोज फॉर सैलड एंड यूजिंग बेसिक कुकिंग टेक्निक्स सेटिंग अप फॉर सर्विस व्हेन ऑर्डर वर रिसीव्ड ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैन सेक्शन रीहीटिंग करीज एंड डीप फ्राइंग एंड चिप्स। तो ये उसके टास्क उन्होंने असेसर ने बताया कि ये वाली चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। तो उन्होंने कहा कि जो ग्रेवी है वो बैनबरी में रखी गई थी, उन्होंने लिखा हो कि जो ग्रेवीज हैं जो करीज की ग्रेवी है वो उन्होंने बैनबरी में रखी गई थी। एंड जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि ये क्या हॉट है या पूरी गर्म है, तो स्टूडेंट का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंसली नहीं बोला कि यस ये हॉट है या नहीं है, तो ठीक है यस आई थिंक सो इट्स हॉट, उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया। तो उसके उन्होंने क्या लिखा कि व्हेन आई आस्क्ड इफ इट वॉज हॉट एंड ही
चेक्ड इट विद ए लेज़र थर्मामीटर। पहली बात तो जब भी आप कोई भी ऐसे असेसर के सामने कुछ चेक करते हो तो आपको लेज़र गन नहीं कभी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको प्रॉप थर्मामीटर यूज़ करना चाहिए जिससे कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट टेम्परेचर आपको आता है, और वही रिकमेंडेड किया जाता है मोस्टली। लेज़र वेरी रेयर इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। फिर वो बोल रहे हैं, असेसर बोल रहा है कि द लेज़र थर्मामीटर रीड्स 160 डिग्रीज। अब मोस्टली हम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फारनेट, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मुझे ये है कि मुझे आपको गाइड करना है तो मुझे ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कि इसके अंदर लिखा क्या है और ये क्यों अनसक्सेसफुल है, तो उसके आधार पर आप अच्छे तरीके से समझ सकोगे कि आप कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करो जब आपका टेस्ट हो रहा हो, जब आपको असेसर ऑब्जर्व करे आपके वर्क प्लेस पे। हमेशा प्रॉप थर्मामीटर यूज़ करो और मेक श्योर करो कभी भी आप फारनेट में टेम्परेचर चेक मत करो, क्योंकि जब भी आप फारनेट, ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली हम फारनेट यूज़ नहीं करते, मोस्टली हम सेल्सियस यूज़ करते हैं, बट अदर कंट्रीज लाइक USA हो गया, कैनेडा हो गया, वहाँ पे फारनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट हम मोस्टली फैमिली हैं सेल्सियस से। तो आप कोशिश करो कि आप सेल्सियस में टेम्परेचर चेक करो और प्रॉप थर्मामीटर के साथ चेक करो। फिर उन्होंने बोला असेसर ने कि विच द पार्टिसिपेंट रिपीटेड टू मी आई आस्क्ड इफ इट कुड बी करेक्ट। उसमें क्या होता है कि जब भी आप कुछ श्योर नहीं हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि टेस्ट में जब भी आप किसी बात को लेके आप 100% श्योर नहीं हो तो डोंट अटर एनीथिंग, डोंट स्पीक एनीथिंग। उसका रीज़न यही है कि वो आपकी एक नेगेटिव में चला जाता है अनलेस एंड अंटिल अगर आप उसको दोबारा रिकरेक्ट करते हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सही है, तो यस था, नहीं बोलना चाहिए था। एंड ही सेड इट वॉज ऑन इंस्पेक्शन द थर्मामीटर वॉज सेट टू द फारनेट, जैसे फ़ारेनहाइट, जैसे हम बोलते हैं कि जो डिग्रीज होती हैं और फ़ारेनहाइट होती हैं तो दो अलग अलग तरह के मोड होते हैं टेम्परेचर चेक करने के, तो उन्होंने टेम्परेचर जो था ऑलरेडी फ़ारेनहाइट में सेट किया हुआ था, ठीक है। असेसर ने बाद में क्या किया, व्हेन रिवर्टिंग टू द सेल्सियस, जब उन्होंने इसको रिवर्ट किया यानी कि इसको कैलकुलेट किया सेल्सियस में, तो उसका टेम्परेचर आया था 46 डिग्री। तो अब यहाँ पर आप सबके लिए क्वेश्चन है कि आप मेरे को कमेंटों में बता दो कि क्या ये टेम्परेचर सही है, अगर किसी भी हॉट करी का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अगर 46 है ये सही है या गलत है, तो आप मेरे को बता दो। फिर उन्होंने कहा कि जो असेसर ने बोला कि विद इन द डेंजर जोन, यानी कि ये डेंजर जोन के अंदर है, एंड व्हेन आई आस्क्ड इफ इट वाज ओके एंड ही सेड यस। तो असेसर ने एक बार नहीं वो कन्फर्म करते, हमेशा जो असेसर हैं वो दो या तीन बार कंफर्म करते हैं कि आर यू श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट, ऐसे करके वो आपको पूछते हैं। अगर आप उनका यस बार बार वही आंसर दे रहे हैं तो 100% उनको होता है कि स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज नहीं है एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द आंसर। उसके बाद में उन्होंने लिखा ग्रेवी वॉज कैप्ट इन द बैनबरी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि द पार्टिसिपेंट मेंटेन्ड पुअर हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। बहुत बड़ा रीज़न है ये आपको फेल करने का, क्रॉस कंटामिनेशन, हैंड हाइजीन और ग्रूमिंग, ये वाली चीज़ें और क्लीनलीनेस, अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते दे आर हाईली चांसेस कि आप पास नहीं होंगे, चाहे आप जितने मर्जी आपने अच्छे आंसर दिए हों बट असेसर विल नॉट पास यू। फिर उन्होंने बोला कि रिंजिंग हिज हैंड्स ओवर द प्रेप सिंक। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस है और मैं हर बार अपने सेशन में भी बताता हूँ कि हाइजीन इज़ द मेन की टू मेक ए इम्प्रेशन टूवर्ड्स असेसर। वो जो अपने हाथ हैं, आप अगर आप प्रेप सिंक में धो रहे हो तो कैसे आप सोच सकते हो कि वो भी असेसर के सामने कि वो आपको पास कर देगा। एंड ओनली यूजिंग सोप एंड वाटर व्हेन प्रॉम्प्टेड, लाइक जब उन्होंने बोला कि आप ऐसे हाथ क्यों धो रहे हो, असेसर ने उसको टोका भी कि आप कहाँ हाथ धो रहे हो, तो फिर उन्होंने वो जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह हाथ धोए वो करेक्ट प्रोसीजर के साथ उनके करने के बाद में, ठीक है। सो विच इज़ नॉट राइट आई गेस। उसके बाद में क्या हुआ, द पार्टिसिपेंट वॉज ऑब्जर्व प्लेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डिशेज दैट डिड नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, द प्री हीटेड करी वर ओवरकुक्ड रिजल्टिंग इन ए टेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी एंड द साइड सैलड बॉल्स वर सर्व विद द विजिबल रिमेनन ऑफ द अनियंस ऑन द साइड। तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया असेसर के सामने, उसने जब प्लेटिंग की फूड की तो क्या हुआ कि पहली बात तो जो मीट था वो ओवरकुक्ड हो गया। अब ओवरकुक्ड कैसे हो जाता है कि मान लो अगर आपने कभी मीट कुक नहीं किया, अगर आप रीहीट भी करते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो चंक्स ऑफ मीट हैं वो हमेशा दिखने चाहिए,
मैश नहीं होने चाहिए। अगर वो मैश हो गए तो इट मीन्स जो आपकी करी है वो ऑलरेडी ओवरकुक है और जो मीट है वो ओवरकुक्ड होके वो स्मैश हो गया। तो ये चीज़ का उन्होंने नोटिस किया, तो जो करी ओवरकुक की उन्होंने, फिर उसके बाद में जो उन्होंने सैलड रखा प्लेट्स में और जो उन्होंने सैलड रखा बॉल में, उसमें से जो सैलड था वो प्लेटिन से बाहर आ रहा था, यानी कि बॉल से बाहर आ रहा था, विच इज़ नॉट राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि अगर आप ढंग से प्लेटिंग नहीं कर रहे एंड यू आर बीइंग रेडी फॉर जीआरपी टेस्ट, सो असेसर वहाँ पे थोड़े ज़्यादा और क्वेश्चन हार्ड करते हैं कि मतलब आपको बेसिक चीज़ें क्यों नहीं पता। ये वाली बेसिक चीज़ें होती हैं, प्लेटिंग करना, गार्निश करना, रीहीट करना। अगर एक साल में आपने ये चीज़ें सीखी नहीं है तो आई गेस इट्स वेरी हार्ड कि यू आर नॉट ए रियल शेफ। ठीक है, सो ये वाली चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद में उन्होंने बोला द अफेक्टिंग द ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड अपीयरेंस ऑफ द डिशेस। तो ये वाली चीज़ जब असेसर ने देखी है तो जो प्रॉपर जो डिश की खूबसूरती होती है उसको वो ख़राब कर रहा था, सो इसलिए उन्होंने ये रिमार्क यहाँ पे डाला हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग डिस्कशन द पार्टिसिपेंट वॉज एबल टू गिव एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू द ट्रेड स्किल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग कुकिंग टेक्निक्स एंड फूड सेफ्टी प्रोसेस, ऑल्दो ही वॉजंट एबल टू पुट दीज इन टू एक्शन आफ्टर ही वॉज अल्टर टू करेक्टिव एक्शन बींग रिक्वायर्ड। ओके, ये बात सबसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप थ्योरी में बहुत अच्छा करते हो, इम्प्रेस करते हो असेसर को, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ कि थ्योरी में उन्होंने जो क्वेश्चंस किए थे ट्रेड स्किल के अकॉर्डिंग, उन्होंने बहुत अच्छे आंसर किए, बट उन्होंने वो जो आंसर को दिए थे उनको एक्शन के तौर पे नहीं बदल सके जब वो उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो आपको ये चीज़ मान लेनी चाहिए या समझ लेनी चाहिए अब तक कि अगर आप थ्योरी में बहुत अच्छे हो तो उतने थोड़े बहुत अच्छे आपको कुकिंग में भी होना चाहिए ताकि आप उनको रिप्रेजेंट कर सको, जो आपने बताया है उनको आप उनके सामने दिखा सको कि मैं ऐसे ही करता हूँ और ये वाली जॉब्स हैं, मैं इतने अच्छे ढंग से ये वाली चीज़ों को परफॉर्म करता हूँ। तो एक्चुअली उनके जो थ्योरी थी वो बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने सेशन लिया था, एवरीथिंग वॉज क्लियर्ड, बट जब उन्होंने एक्चुअल परफॉर्म किया वो एक्टिविटीज़ तो वहाँ पे उनसे वो चीज़ हैंडल नहीं हुई और जिसके कारण असेसर ने उनको नेगेटिव आउटकम दी है। सो उन्होंने फिर इस पे ये भी बोला है कि जो मुझे लगता है द पार्टिसिपेंट ट्रेड एंड वर्कप्लेस स्किल्स आर नॉट ट्रांसफरेबल टू अनदर किचन, क्योंकि मोस्टली अब जब आप किसी होटल में लाइक लिमिटेड एक एरिया में काम करते हो जहाँ पे सब कुछ फ्रोजन आता है या फिर रीहीट करते हो, कोई एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं है, तो वहाँ पे उनके लिए जज करना बहुत ईजी हो जाता है कि यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सीख रहे और मेन कुकिंग भी आप नहीं कर रहे क्योंकि मेन कुकिंग भी आपके दो अलग शेफ़ कर रहे हैं, आप सिर्फ रीहीटिंग का काम कर रहे हो और प्लेटिंग कर रहे हो, दैट्स ऑल यू डू इट। सो ये एक शेफ़ को रिप्रेजेंट नहीं करता और ना ही आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है। फिर उन्होंने बोला ड्यूरिंग द असेसमेंट द पार्टिसिपेंट डेमोंस्ट्रेटेड ही इज नॉट वर्किंग विद द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, द पार्टिसिपेंट इज नॉट येट जॉब रेडी। सो असेसर को यही बाद में रियलाइजेशन हुआ कि वो अभी तक रेडी नहीं है जॉब रेडी के लिए और वो अकॉर्डिंग टू द जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड हैं उनको मीट नहीं कर रहा, इस वजह से उन्होंने उनको इस टेस्ट में फेल कर दिया। इसके बाद में उन्होंने बहुत सारी बड़ी रिपोर्ट लिखी हुई है, इसके बाद में उन्होंने ये भी उनको एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू दैट, उन्होंने जो जो क्वेश्चन उनसे पूछे थे उनको भी एलाबरेट किया है किस क्वेश्चन में उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब ढंग से नहीं किया है और स्टूडेंट ने कहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन की है। तो उन्होंने यहाँ पे ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं और बाकायदा उन्होंने लिखा है कि कौन कौन सी स्टूडेंट को जो इन्फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो ये एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो 12 पेजेस की जो रिपोर्ट है उन्होंने पूरी रिपोर्ट, ओके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में जो 12 पेजेस की रिपोर्ट है उन्होंने पूरी यहाँ पे रिपोर्ट भेजी हुई है। असेसर का नाम मैं आपको कमेंटों में बता दूंगा कि असेसर कौन था और ये आई थिंक साउथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हुआ था। सो इट्स रियली हार्ड टू से बिकॉज मेरे को भी बहुत बुरा लगता है कि जब कोई ऐसा रिजल्ट आता है, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है कि मैं आपको थ्योरिकली एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकूं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि अगर आपने इन पर्सन मेरे साथ कुकिंग के सेशन भी करने हैं, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू सेशंस, अगर आपने सिर्फ ऑनलाइन सेशन नहीं करने इन पर्सन सेशन करने हैं तो वो भी मैं सेशन के लिए अवेलेबल हूँ, हम टाइम और प्लेस हम बुक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डू दैट। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और अगर आपको कोई फ़ोन कंसल्टेशन चाहिए 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, आई एम हैप्पी टू डू दोज वंस।
अगर आपको कोई PDF चाहिए किसी भी ट्रेड की तो वो भी मेरे पास है, यू कैन मैसेज मी एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं सबको अवेयर कर सकूं और सबको पता चल सके कि आप जब जॉब रेडी करते हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको परफॉर्म करनी होती हैं। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है कि यू नो एवरीथिंग। अगर आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे तो इट इज़ गोइंग टू बी बिट टफ फॉर यू, क्योंकि असेसर जो है वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं और उसके बिहाफ पर ही वो अपनी रिपोर्ट में वो चीज़ें लिखते हैं। वो रिपोर्ट TR के पास में जाती है एंड दे डिसाइड कि वेदर दे गोना पुट यू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सो ये वाली चीज़ें आज की वीडियो में थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं मिलता रहूँगा आपको ऐसी ही नई और वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखें और मेहनत लगाकर अपनी जॉब रेडी की तैयारी करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।